मैंने ये काट के रखी है मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी। तो उसके लिए जो मैंने मटेरियल लिया हुआ है वो है प्याज, अदरक और लहसुन और 2 कलियां हरी मिर्च, और मैंने प्यूरी बना के रखी है टमाटर की। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और गैस को करेंगे ऑन। हमने गैस ऑन कर दिया और कढ़ाई को गर्म होने दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम मैंने लिए मिक्सी। मिक्सी में हम ऐसे करेंगे, पहले ये अदरक, अदरक का टुकड़ा मैं काट के मिक्सी में डालूंगी, और लहसुन, लहसुन का मैं छिलका ऐसे ही डाल देती हूँ क्योंकि इसका भी अपना एक टेस्ट होता है, तो ये भी मैं डाल लूंगी। और हरी मिर्च को भी मैं मिक्सी में इसी के साथ काट के डाल लूंगी। तो ये देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इनको मैंने ग्राइंड करके रख लिया। अब हमारा जो गैस ऑन किया था उस पर कढ़ाई रखी थी वो चेक कर। तो फ्रेंड्स, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें हम डालें थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसको गर्म होने देंगे। ये जीरा हम इसके अंदर डालेंगे भूनने के लिए, इसको ला लें। जीरा गर्म हो गया है तो इसमें ये हींग, तो इसमें हींग डालेंगे, टमाटर की प्यूरी। तो फ्रेंड्स, अभी तो मेरी यहाँ ये प्यूरी 2 मिनट के लिए बन रही है, तो मैं दूसरी तरफ गैस ऑन करूंगी। तो ये दूसरी तरफ मैं गैस ऑन करूंगी और यहाँ पे मैं रखूंगी ये, और इसे थोड़ा हम गर्म होने देंगे। इसमें हमने ऑयल कुछ नहीं डालना, इसको ऐसे ही गर्म करना है। और इसमें डालेंगे हम ये मशरूम, सारे मशरूम हम डालेंगे इसके अंदर। और इसमें ना तो मैंने ऑयल डाला है, कुछ भी नहीं डाला। ड्राई रोज, तो ये हो गए। अब मैं इनको उतार लूंगी। अब मशरूम उतारने के बाद अब मैं इसमें रोस्ट करूंगी ये शिमला मिर्च। फ्रेंड्स, इसमें आप देखें, मैंने कुछ नहीं तेल तो कुछ नहीं डाला, मैं इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। शिमला मिर्च को भी 2 मिनट के लिए करेंगे ड्राई रोस्ट। अब इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए। तो अब ये भी हो गया, तो इसे भी हम उतार लेंगे। अब ये 2 मिनट हो गए टमाटर की प्यूरी को, और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो मिक्सी में मैंने ग्राइंड करके रखा था, तो इसे हम डाल लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी 2 मिनट के लिए ऐसे ही, और इसमें फिर हम डाल देंगे ये जो मशरूम मैंने रोस्ट किए थे, सारे इसके अंदर डाल देंगे, और शिमला मिर्च भी डाल देंगे, ये भी हमने रोस्ट किया था ड्राई, ये भी इसके अंदर डाल देंगे, और अब मिक्स करेंगे इन सबको। और हम डालेंगे अब इसके अंदर मसाले। तो ये गरम मसाला है जो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। और इसमें डालूंगी मैं ये धनिया पाउडर। मैं इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे। तो गरम मसाला और धनिया पाउडर यही डालूंगी, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। नमक हम आखिरी में डालेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर इसको ऐसे ही होने देंगे। और आखिरी में थोड़ा सा पानी डालना, बस ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम, और इसे हम
ढक देंगे और 5 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। लगभग 15 मिनट हमने इसको रखना है और 5-5 या 2-2 मिनट बाद घुमाते रहना है, चेक करना है। आपने देखा होगा कि दोस्तों मैंने इसके अंदर ना तो हल्दी डाली और नमक भी मैं आखिरी में डालूंगी। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसको टाइम हो गया है और मैं चेक करूंगी, तो ये हो ही गया है लगभग। देखिए अब मैं गैस करूंगी बंद और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। तो ये फ्रेंड्स हमारे 10 मिनट में लगभग ये हो गए। अब मैं इसमें ये नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही इसमें डालें। तो ये नमक मैं अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ, आप जितना नमक तेज या कम खाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डालें। तो हम थोड़ा सा तेज खाते हैं तो ये नमक मैंने कर दिया इसमें मिक्स। और ये हमारी मशरूम की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी मशरूम की सब्जी। आपने देखा है मैंने कितने कम मसाले यूज़ किए। और ये सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।